हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, क्लास टेंथ. दिस इज योर सब्जेक्ट साइंस एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड साल्ट, एंड दिस इज योर वीडियो नंबर 43. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एसिड बेसिस साल्ट. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, एसिड बेसिस एंड साल्ट ये चैप्टर नंबर 2 है. इस चैप्टर में आपको बताया गया है, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेसिस. ठीक है बच्चों, कि आपका जो सोर, ये खट्टा और जो कड़वा जो टेस्ट होता है फूड का, वो एसिड और बेसिस की वजह से होता है, प्रेजेंट इन दैम. तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आपके एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं. ठीक है बच्चों, और एसिड और बेसिस का हमें पता कैसे चलता है कि कौन से हमारे एसिड हैं और क्या हमारे बेसिस हैं. दे आर द सो मैनी केमिकल्स, ठीक है, टू विच वी डू नॉट टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई दैम डेट आर बेसिस और एसिड्स, वी हैव सम इंडिकेटर्स. डैट इंडिकेटर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन क्या इंडिकेटर के बेसिस पर हम ये पता लगाएंगे वो हमारे एसिड हैं, बेसिस हैं या सॉल्ट हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ठीक है बच्चों, और स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि आपके जो भी आपके फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कुछ फूड हमें खट्टे लगते हैं, कुछ फूड हमें कड़वे लगते हैं. ठीक है, तो उनमें हमारे एसिड होते हैं. कौन से फूड में हमारा एसिड होता है, किस फूड में हमारा बेस होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. और एसिड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिस हमारे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस या वीक बेसिस, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एसिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिनको हमें पता, जिनसे हमें पता चलता है वो हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं. तो बच्चों, एसिड्स को आप पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट लिखूँगा, इस नोट को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं नोट यहाँ पर लिख देता हूँ. मैं नोट, डू नॉट टेस्ट, डू नॉट टेस्ट एसिड्स इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी, ओके स्टूडेंट्स, तो आप जब लैब में जाएंगे तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ वो टेस्ट के बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करें कि वो आपके एसिड्स हैं या बेस हैं. ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये आपका नोट पॉइंट है. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका. एसिड्स क्या हैं, देखिए बच्चों, एसिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पर हमें पता चलता है ये हमारे एसिड्स होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिड हैव सॉर टेस्ट. सॉर टेस्ट, एसिड का कैसा टेस्ट होता है बच्चों, सॉर टेस्ट होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, दे कंटेन हाइड्रोजन. इनमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड. ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ये रेड कर देते हैं. कुछ हमारे एग्जांपल हैं हमारे एसिड्स की, कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, जैसे कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4, इसे बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट आता है आपका सिट्रिक एसिड, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चों. एसिटिक एसिड, एसिटिक
एसिड, ओके स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा, ये हमारे कुछ हमारे एसिड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं. दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस. देयर सोर्सेस, तो सोर्सेस के बिहाव पर हमारे जो एसिड हैं वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? सोर्सेस के बिहाव पर हमारे जो एसिड हैं वो टू टाइप के होते हैं बच्चों. नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स. नंबर सेकंड मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक एसिड के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं? चलिए बच्चों ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखिए. ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे क्या हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके क्या आ सकते हैं बच्चों? सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ओके स्टूडेंट्स, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर इनके ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल हैं. एग्जांपल में आप देख सकते हैं लेमन, टमाटो, एप्पल, टैरामिंड. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं बच्चों. यहाँ पर लेमन में आपका कौन सा एसिड होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है बच्चों लेमन में. टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? ऑक्जैलिक एसिड. जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके साथ में अगर आप इसको रीड करेंगे, ठीक है, अगर आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो टोमेटो में आपका कौन सा एसिड होता है बच्चों? ऑक्जैलिक एसिड. एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? मैलिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, एंड टैरामिंड में बच्चों कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? टार्ट्रिक एसिड. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ और एग्जांपल आप देखेंगे. यहां पर कर्ड में कौन सा एसिड होता है बच्चों? कर्ड में जो एसिड पाया जाता है उसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं. नेक्स्ट हम बताएंगे बच्चों आपको गुआवा यानी अमरूद में कौन सा एसिड होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड. एनिमल्स में से कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है रेड आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स. तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ड्राइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टैरामिंड में टार्ट्रिक एसिड, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड, गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड, रेड आंट में फॉर्मिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर मिनरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स को बच्चों लैब में तैयार किया जाता है, उन जो भी एसिड्स आपके लैब में तैयार किए जाते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब और बाय मैन मेड सोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, वो सभी एसिड जो लैब में तैयार किए जाते हैं या मैन मेड सोर्सेज से तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिनरल एसिड्स कहते हैं। इन एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। दीज एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। बच्चों हम इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बच्चों, इनके कुछ एग्जांपल हैं मिनरल एसिड्स के। जैसे कि बच्चों कुछ एसिड्स में से हम यहाँ से ले रहे हैं H2SO4 का नेम क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिक एसिड। H3PO4 इसे बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं इनके नाम यहाँ पर नोट करके आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, दिस इज कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स। कुछ इसके यूजेस में मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि आपका जो H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 को जो है हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किंग ऑफ केमिकल्स। ये फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। HCl को हम एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे हम इसे किचन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, लैब में इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। HNO3 जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ बच्चों क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के, जो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट होते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करने में, साफ करने में उनका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है हमारा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हमारा कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। एंड जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों, ये फर्टिलाइजर और पेंट जो आप नॉर्मली जो घरों में जो पेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है, तो उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो दोबारा से रिपीट करिए बच्चों, एक एक एग्जांपल, पेंट और फर्टिलाइजर में यूज़ हो रहा है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने में किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स में एंड फर्टिलाइजर में भी यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, किंग ऑफ केमिकल है ये, ठीक है, एंड इसे बैटरीज, इन्वर्टर एंड एक्सप्लोसिव्स, फर्टिलाइजर सभी में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपके मेन पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर नोट पॉइंट दे रहा हूँ, ये सभी बच्चे ये बड़ी केयर से आप इसका ध्यान रखेंगे और ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। मिनरल एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आर हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड
कॉज स्किन बर्न, तो ये स्किन को जला सकते हैं बच्चों, इसीलिए देयरफोर दे शुड बी हैंडल्ड विद केयर, बड़ी सावधानी से इनका यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए बहुत ही केयर से इनको यूज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका एक थ्योरी आती है बच्चों, आरहेनियस थ्योरी। ठीक है, आरहेनियस थ्योरी जो है वो एसिड्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, इसके बारे में देखेंगे यहां पर हम। आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स, आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स, आरहेनियस ने एसिड्स के बारे में क्या बताया। According to Arrhenius theory, according to this theory, acids are the substances that dissociate, जो टूट जाते हैं और ionize होते हैं to give hydrogen ion when dissolve in water, जब इन्हें water में dissolve किया जाता है। ठीक है students, तो यहाँ पर इसके देखिए जो reaction है वो किस तरीके से हम बताएंगे। HCl जो आपका aqueous होता है बच्चों, इस एरो का मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल साइन इसे कहते हैं। हाइड्रोजन आयन जो आपका एक्वस में बनता है बच्चों, प्लस क्लोरीन आयन, ये भी आपका एक्वस में होता है। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर हम इसे क्या कह सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर ड्यू टू हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन इट, इन इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो ये जो आरहेनियस थ्योरी है वो ये कहती है कि जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट कहिए, आयोनाइज कहिए, किस में बच्चों, हाइड्रोजन आयन्स में। ठीक है, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, नोट करिए सभी। नेक्स्ट बच्चों, अब हम बेसिस के बारे में सीखेंगे, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बेसिस पर हम जो बताते हैं बेसिस क्या है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, बेसिस में कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है बच्चों। दे आर सोपी टू टच, सोपी एंड स्लिपरी। सोपी एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इन्हें छूते हैं तो ये हमें साबुन की तरह स्लिपरी हमें महसूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आपको हम यहां पर कॉमन एग्जांपल में आपको इसमें बता रहा हूं। ठीक है, जो कुछ एग्जांपल आपके हैं यहां पर, एग्जांपल्स NaOH,
इसे कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका, एक और ले सकते हैं हम यहाँ से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप इन एग्जांपल को आप याद कर लेंगे, आपके एसिड्स हैं सॉरी बेसिस हैं बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम बच्चों कास्टिक सोडा भी होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस इसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, और इसे कहते हैं बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक एंटा एसिड के तौर पर यूज़ किया जाता है टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम इन द स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, ठीक है, एंड हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब आता है बच्चों KOH जो होता है बच्चों, ये एक एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। NaOH जो है ये आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में NaOH को यूज़ करते हैं बच्चों, KOH आपका स्टोरेज बैटरी जो भी बैटरीज वगैरह है उसमें बनाने में यूज़ किया जाता है, CaOH का जो होल ट्वाइस है बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर, एंड हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में फॉर वाइट वॉशिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। MgOH का होल ट्वाइस इसे मिल्क को मैग्नीशियम भी कहते हैं, और इसका यूज़ एज एन एंटा एसिड के तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, NH4OH का यूज़ एज एन क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, एक नोट पॉइंट यहाँ से आप सीखेंगे, ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सभी बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्कलीज कहते हैं, ALKALIS, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एल्कलीज क्या है, वो बेसिस जो आपके वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर RNS थ्योरी जो है हमारी जो एसिड के लिए थी, ठीक है, वो थ्योरी हमारी जो है बेसिस के लिए भी है, तो इसे भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बच्चों। RNS थ्योरी ऑफ बेसिस तो बेसिस के लिए RNS थ्योरी क्या है बच्चों, देखें यहाँ पर सभी, तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें RNS थ्योरी ऑफ बेसिस में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेसिस आर द सब्सटेंस डेट डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी जब वो सब्सटेंस जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, वो हमारे बेसिस हैं। क्या है बच्चों, बेसिस हैं। चलिए बच्चों इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन में आपको बताया जा रहा है NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो हमारा एक्वस में है यानी जिसमें हमने वाटर मिला दिया है बच्चों, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है बच्चों, यहाँ पर सोडियम आयन जो हमारा एक्वस में होता है, ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है बच्चों, जिसमें आपका वाटर भी डिजॉल्व हो, वाटर भी साथ में हो, प्लस में OH नेगेटिव आयन, ठीक है, जो ये हमारा भी एक्वस में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और ही मैं यहाँ पर रिएक्शन आपको समझाता हूँ, यहाँ से NH4OH एक और हमने बेस ले लिया बच्चों, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, ये डिसोसिएट होता है जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं NH4 आयन में,
NH4 आयन में एंड प्लस आपका OH नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन में आपका ये निकलता है, ठीक है बच्चों, विद वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा है आरएनए थ्योरी ऑफ बेसिस जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो सब्सटेंसेस जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन को ये रिलीज करते हैं तो उन्हें बोलते हैं बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसिस बोलते हैं। बेसिस किस वजह से बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें OH आयन प्रेजेंट है। OH आयन प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे क्या है बच्चों? बेसिस हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या है, ठीक है बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंडिकेटर्स जो है हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इंडिकेटर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे सूचक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है जो हमें एसिड और बेसिस के बारे में हमें बताते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या है। दीज आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताने वाली चीज़ें जो होती है वो आपकी क्या होंगी? इंडिकेटर्स होंगी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर आपके क्या होते हैं? ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों लिटमस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? लिटमस के बारे में। तो बच्चों लिटमस क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज ए पर्पल डाई DYE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा जो लिटमस होता है ये लाइकेन के प्लांट से हमें प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। और लिटमस जो है एक पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लिटमस एक पर्पल कलर की क्या है बच्चों? एक डाई है, ठीक है, जो पर्पल कलर की होती है। और जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर आपका टू आपके कलर में पाया जाता है। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर, लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स। कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों? नंबर फर्स्ट है आपका रेड एंड सेकंड होता है बच्चों आपका ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर है एंड ब्लू कलर का, तो इसमें कैसे करके आइडेंटिफाई होता है इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी बच्चों जो एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट भी आप यहां पर देखेंगे, ए बेस एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो बच्चों जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। बच्चों यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों आपका टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप जानते हैं टर्मरिक क्या है, टर्मरिक हल्दी को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? हल्दी को हम टर्मरिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्मरिक किस तरीके से, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर टर्मरिक सॉल्यूशन
टर्मरिक सॉल्यूशन, जो टर्मरिक जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, और पेपर जो टर्मरिक से बना हुआ है बच्चों, टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस, रेडिश ब्राउन विद बेस। तो बच्चों बेस के साथ में जो बेस हमारे जो बेस सब्सटेंसेस होंगे अगर वो कांटेक्ट में आते हैं टर्मरिक के साथ तो वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे। टर्मरिक डज नॉट चेंज विद एसिड, यानी एसिड के साथ में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल बेसिस के साथ में ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो है आपकी येलो कलर की डाई है, टर्मरिक जो सॉल्यूशन है, टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज विद एसिड। तो सभी बच्चे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट आता है बच्चों आपका इसमें, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज क्या है बच्चों, ये रेड कैबेज जो है ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें रेड कैबेज का जूस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों, जूस निकाला जाता है और उससे हम क्या है पता लगाते हैं एसिड और बेस का। चलिए बच्चों कैसे लगाते हैं इसमें, यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विद एन एसिड एंड ग्रीनिश विद बेस। तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों जो रेड कैबेज है, रेड कैबेज का पहले हम जूस निकालते हैं बच्चों, ठीक है, और जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका रेडिश कलर हो जाता है, रेडिश कलर विद एन एसिड एंड ग्रीनिश कलर विद एन बेस। तो बच्चों यहां से आपको ये जो है इसमें आपको पता चलता है। ठीक है, इसमें जो नेचुरल इंडिकेटर हैं किस तरीके से एसिड और बेस को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने लिटमस के बारे में पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर में। ठीक है, लिटमस जो है ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के साथ, बेस के साथ में रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाता है। टर्मरिक एक येलो कलर की डाई है, टर्मरिक जो सॉल्यूशन है वो रेडिश ब्राउन का हो जाता है विद बेस, बट ये एसिड के साथ में कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें। रेड कैबेज में क्या होता है बच्चों, रेड कैबेज में जो रेडिश कलर आता है एसिड के साथ एंड ग्रीनिश कलर आता है विद बेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिकेटर का सेकेंड पार्ट, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के साथ में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इंडिकेटर्स अभी और भी टाइप के हैं, इंडिकेटर अभी मैंने आपको केवल नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया है। नेचुरल इंडिकेटर के बाद में आपके आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बुक से अपना चैप्टर रीड करते रहिए, सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट करिए अच्छे से और इन्हें रिवाइज करिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।